हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप सब मेहनत कर चुके हैं अपनी बेली फैट को कम करने के लिए और पेट आपका लटक चुका है तब भी ठीक नहीं हो रहा है सारी कोशिशों के बाद, तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ बहुत सिंपल सी आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, कुछ योगा बताने वाली हूँ जिनको करके आप अपने बेली फैट को ठीक कर सकते हैं। और गाइज, योगा से अच्छा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। योगा से आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं, अपनी बॉडी को शेप में बना सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कपाल भारती किया है, तो जैसे कि आप जानते होंगे कपाल भारती बहुत ही अच्छा योगा होता है जो आपके टम्मी को कंट्रोल करता है, टम्मी की प्रॉब्लम्स को खत्म करता है और आपके फैटी जो आपका बेली होता है उसको ठीक करता है। एक योगा ये है, आप इसको डेली कीजिए और काउंटिंग करके आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एकदम से प्रेशर मत दीजिए बॉडी को, 10 टाइम अगर आप कर लेंगे इनफ होगा। धीरे धीरे आप उसका नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। तो डेली आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, हर उम्र के लोग इसको कर सकते हैं। तो गाइज, एक ये योगा है जिसमें आपको अपने पैरों को उठाना है ऊपर, तो एक साथ प्रेशर मत दें। तो पहले आप 30 डिग्री पे उठाएं इसको, धीरे धीरे काउंट करें, उसके बाद आप इसको पैर को थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं 60 डिग्री पे मैं कर रही हूँ, 60 डिग्री पे लेके जाएं। एकदम से करेंगे तो इससे बहुत प्रेशर आता है पेट पे और आपका बेली फैट ठीक होता है। तो आप कोशिश करें पहले 30 पे करें, इसके बाद धीरे धीरे 60 पे, उसके बाद आप 90 डिग्री पे, जैसे ये आप देख सकते हैं। एकदम से 90 डिग्री पे नहीं जाए तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको भी आप काउंटिंग के साथ ही कीजिए, काउंटिंग के साथ आप इसको कर सकते हैं धीरे धीरे। ये भी 10 टाइम करें कोशिश, धीरे धीरे हो जाएगा, उसके बाद फिर आप इसको अच्छे से कर सकते हैं और ये बहुत फायदेमंद होता है हमारे पेट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले मैं 30 कर रही हूँ, फिर बीच में 60 कर रही हूँ, और उसको थोड़ा देर उसको रोके पैर को, फिर नीचे करें तो ज्यादा असर आएगा। गाइस, अगर आप थोड़ा एज्ड हैं या फिर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ एक पैर से करें ताकि ज्यादा प्रेशर ना आए, तो आप एक पैर से ऊपर करें फिर नीचे करें, इस तरह से भी प्रेशर आता है। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो इससे जो होता है प्रेशर आएगा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका दोनों पैर कर सकोगे आप ऊपर की तरफ। गाइस, ये है जिसका बटक, जिसके बैक में बहुत ज्यादा फैट होता है, वो इस योगा को कर सकते हैं। जैसे कि आप कोशिश करेंगे इसमें सर्कल बनाने की, कोशिश कीजिए पूरा राउंड सर्कल बने। पहले आप सिंपल डायरेक्शन में करें, फिर इससे अपोजिट डायरेक्शन में करें। कोशिश करनी है कि पूरा सर्कल बना सकें, तो स्लोली स्लोली काउंटिंग करके मैं ये योगा भी कर रही हूँ। इससे बेली फैट के लिए बहुत अच्छा रहता है, प्लस बैक के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जिनके बहुत ज्यादा फैट रहता है बैक पे, वो फैट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, और डेली इन योगा को करके आप अपनी बॉडी में फर्क को देख सकते हैं। योगा से अच्छा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। जिम भी ज्वाइन करते हैं तो कुछ टाइम के लिए असर दिखता है, उसके बाद बॉडी एज इट इज हो जाती है। तो कोशिश कीजिए योगा को अपनी रूटीन में लाइए, जीवन का हिस्सा बनाइए। नेक्स्ट योगा ये है गाइस, आप इससे ऊपर की तरफ करेंगे, इससे आपका पूरा बैली पे जोर आता है और फैट रिड्यूस होता है। इसको भी इसमें ऊपर जाते हुए इनहेल करना है, सांस लेनी है, और नीचे आते हुए सांस को छोड़ना होता है। और कुछ टाइम अगर ऊपर स्टे कर सके, रुक सके, तो ऊपर कोशिश कीजिए रुकने का। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर कुछ टाइम के लिए रुकिए और फिर नीचे आइए, इससे ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा जाती है और आप 1 घंटे की सुबह योगा में ही पूरे दिन तक का इतनी ऑक्सीजन ले लेते हैं कि आपकी पूरी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है, थकावट नहीं होती है। नेक्स्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अपने हाथों को क्लोज करके ज्वाइंट करके इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको भी आप काउंटिंग वे में करें, 10 बार काउंट करें। इसमें भी ऊपर जाते हुए इनहेल करना है और नीचे वे आते हुए सांसों को छोड़ना है। इससे पूरा फैट रिड्यूस होता है, बैक को भी, बैक भी आपकी स्ट्रांग बनती है, बैक बोन। गाइज, ये है नेक्स्ट योगा, चक्की। तो जैसे कि आप जानते हैं पहले जमाने में चक्की घर में ही लोग आटा पीसा करते, चक्की चलाते थे, और लेडीज बहुत पतली दुबली स्लिम रहती थी। तो गाइज, आप इस आसन को भी जरूर कीजिए, ये बहुत अच्छा है पेट के लिए स्पेशली। तो इसमें भी पूरा सर्कल बनाना है इस तरह से, पहले एक डायरेक्शन में और फिर उससे अपोजिट डायरेक्शन में। ये योगा भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत यूजफुल है बॉडी के लिए।